तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग हटकर है भाई। जो लोग सिंगर हैं, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, ये जिनकी आवाज़ में कुछ मज़ा है या जिसकी आवाज़ में फील है, अगर वो टिकटॉक को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो टिकटॉक पर अपनी गायकी के साथ बेशुमार लाइक्स बटोर लेते हैं, बेशुमार फॉलोवर्स बटोर लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको देख के इंस्पायर भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको देख के नर्वस भी होते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगा। करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्यों? थोड़ा सा आज इसके बारे में जानेंगे। आप अपनी आवाज़ में अगर हल्का सा इको इफेक्ट लगाएंगे तो आपकी आवाज़ भी सुरीली बन सकती है। मैं इतनी बेशुमार वाली बात बताऊंगा कि आप लाइक्स भी उसमें अच्छे खासे बटोर सकते हो। तो आ जाते हैं फटाफट से टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है कि आज आप अपनी आवाज़ में इको इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं और उस वीडियो को कैसे आप टिकटॉक पर डालकर फॉलोवर्स और लाइक्स पा सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। अगर आप भी ऐसी ट्रिक्स सीखना चाहते हो एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो फटाफट से आते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने एक काइन मास्टर की एप्लीकेशन है काइन मास्टर। काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको रॉ एक फाइल ऑडियो या वीडियो आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, इस माध्यम से आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी आवाज़ में इको लगाएंगे। तो ये देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखो, उसके लिए आपको काइन मास्टर ओपन करना है। मैंने यहाँ पे फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन करने के बाद अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। फटाफट से आपको 9:16 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऑडियो आपको या फिर वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, पहले आपको वो दिखा देता हूँ। कैमरे में जाता हूँ। कैमरे में जाने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो को पहले हम सुनते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी जब ऋषि कपूर जी और हमारे बीच इरफान खान साहब, जिनका निधन हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आप पहले सुनिए इस वीडियो को। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि कपूर जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन टुकराएगी। समझ लिया, सुन लिया आपने। अभी देखिए, इसमें कोई भी इको इफेक्ट नहीं है, किसी भी कोई इफेक्ट नहीं है। आप इसमें इको इफेक्ट आप लगा कैसे सकते हैं? तो देखिए फटाफट से क्या करना है, आपको वीडियो लेयर पर क्लिक करना है। वीडियो लेयर पर क्लिक करते इसको स्क्रॉल डाउन करना है। डाउन करते एक्स्ट्रा एक ऑडियो यहाँ पर इसकी ले लेनी है। ऑडियो लेने के बाद सबसे पहले तो आप इसकी लिपसिंग सेट करेंगे। अगर हल्की फुल्की लिपसिंग इसकी मैच नहीं होती है तो यहाँ पहले मैं सेट कर लिया है मैंने। अभी मैं इसको सुनता हूँ थोड़ा। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, लिपसिंग करेक्ट हो चुकी है। अभी क्या करना है आपको, जो ऑडियो आपने एक्सट्रैक्ट की थी ठीक उसी ऑडियो को क्लिक करना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको ये 3 आइकन डॉट वाला आइकन दिखेगा, इसको फटाफट से यहाँ पर ओके करना है। डुप्लीकेट इसका एक ऑडियो निकाल लेना। अब जो डुप्लीकेट आपने निकाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को क्लिक करना है और यहाँ पर डकिंग इसको ऑन कर देना है। डकिंग ऑन करने के बाद जो इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को आपने कर देना है 40। यहाँ मैं 45 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। और जो आपने डकिंग लिया है अब इस ऑडियो को थोड़ा सा खींच के आगे हल्का सा आपको कर देना है। बस आपने इतना काम करना है, ये आपका हो गया आगे। अब इसी डकिंग ऑडियो को एक आपने फिर से वापस से, ये देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इससे आके आपको एक डुप्लीकेट लेयर करनी है। अब जो आपने डकिंग करके अभी जो लास्ट लेयर नीचे ली है डुप्लीकेट, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आपको करना है 20-25 के बीच। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 20, ठीक है। 20 करने के बाद अब इसको हल्का सा आगे मैं लेने वाला हूँ। बस इतना ही काम आपको करना है। अब आप ऑडियो सुन के देखिए। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि कपूर जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी तो बे, आपको अभी तक कुछ नहीं लगा, ठीक है। अभी आपको नहीं लगा तो आप क्या करना है, आपको हल्का सा ये आगे कर देना लास्ट वाला, और ये आप चेक करते हैं। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि को, नहीं हुआ। अभी आप इसके साथ और छेड़छाड़ कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इसके साथ कर सकते हैं, मजा आपको उतना आ जाएगा। मैं इसको हल्का सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, इसकी जो लेयर है वो लगभग मैं करने वाला हूँ 25। अब सुनकर देखता हूँ मैं तो क्या मजा आता है, देखता हूँ। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि कपूर जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी तो, ठीक है, आपने सुना। अभी देखिए, और इसमें इको इफेक्ट लाने के लिए मैं इसको और थोड़ा आगे कर देता हूँ। अब आप देखिए। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि कपूर जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी तो बेवफा। अब आवाज़ जो है वो डबल टैप हो रही है, तो जो डबल टैप हो रही है यानी कि सेकंड वाली आवाज़ भी साथ साथ ओरिजिनल के साथ टैप हो रही है। इसको हल्का सा आगे कर देंगे बस,
और सेकंड जो लास्ट है उसको हल्का सा। अब देखिए, ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ऋषि कपूर जी को जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन टुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो। सुन लिया आपने? तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी ऑडियो में इको इफेक्ट। अब आपने मेरी आवाज़ तो सुनी ली, अब मुझे इंतज़ार है आपकी आवाज़ का। फटाफट से जाओ टिकटॉक पर, इस तरह की वीडियोस बनाओ, अपलोड करो और अपनी आईडीज़ मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं आप लोगों को भी सुन सकूं आपकी आवाज़ को, कैसी आपकी आवाज़ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।